साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है। मैं नहीं मानता। जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं। बताओ बताओ ना, कुछ तो बताओ। के बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आजकल से नहीं है, मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। मैं गरीब हूँ। मेरी रुदात कुछ इस तरह है। चलो भाई। कि बाबर आजम और मैं हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। क्या बोल रही है? सन 2010 में ही प्रपोज टू मी। एक्टिंग कर रहा है। और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे, बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज, हम दोनों की फैमिलीज ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने। घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा। कैसा लगा मेरा मजाक? म्यूजिक। कैसा दिया आपको? है? नहीं दिया अच्छा।